अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो जी यहाँ पर हो गया था सुबह का टाइम, आयशा जा रही थी स्कूल क्योंकि उसके स्कूल में था आज जी स्पोर्ट्स डे। जैसे ही आयशा स्कूल से आई, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन था, तो आयशा जैसे ही स्कूल से आई तो हम यहाँ पर चले गए थे अपनी अम्मी के घर। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं उसको भी देख लूँगी और फिर मैं अपनी अम्मी से भी मिल लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी नानी के साथ अम्मी के घर आ गई थी और अभी यहाँ पर अम्मी ने खाना बनाया था, बड़े ही मज़ेदार सा कीमा आलू और उसके साथ ये सैलेड। क्योंकि हम लोग को आते आते दोपहर हो गई थी, खाने का टाइम हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम लोगों ने जो है वो आते ही खाना खाया। उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, तो इतने में आयशा जो है वो मेरे बाल बनाने लग गई कि बोल रही है कि मामा मैं आपकी जो है वो चुटिया बनाती हूँ। तो ये देखें अभी आयशा जो है वो मेरी चुटिया बना रही थी और यहाँ पर अभी हम लोग सब बातें कर रहे थे। अम्मी बैठी हुई थी, नानी बैठी हुई थी, मेरा भाई बैठा हुआ था, तो हम लोग सबका जो है वो गपशप टाइम चल रहा था। ब्रश कर दो, ब्रश। हेलो, उसके बाद जी यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और यहाँ पर अम्मी हम लोग सब बैठे थे, तो अम्मी कुछ खाने वगैरह की तैयारी कर रही थी रात की। और फिर उसके बाद जी क्योंकि मैं अम्मी के घर से रुकने के लिए आई हुई थी तो सुबह हो गई थी अब, और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे पासपोर्ट ऑफिस, कुछ काम था। और यहाँ पर ये देखेंगे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कितने ज़्यादा बुजुर्ग हैं और इस उम्र में भी वो काम करें, तो अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई मतलब आप लोग को दिखे तो आप प्लीज़ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि हम लोग सुबह ही चले गए थे पासपोर्ट ऑफिस वापस में, फिर मेरे बाबा ने अपनी शॉप वगैरह ओपन कर ली थी, उनकी डिफेंस के स्टोर में डिफेंस रेंटा कार है और डिफेंस रियल स्टेट है। उसके बाद उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप है जहाँ पर सारे टीवी, सारे टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन सब चीज़ें तैयार मतलब सही होती हैं अगर वो ख़राब हो जाएँ तो। और अब हम लोग जो है वापस जी घर जा रहे थे, हमारा काम हो गया था, मेरी सास का पासपोर्ट बनवाना था तो हम लोग उसी काम से जो है वो बन गया था, उसको हम लोग कलेक्ट करने के लिए गए थे। और अभी हम जो है वो वापस घर जा रहे थे और मेरे बाबा जो है वो अलहमदिल्ला बहुत मेहनती हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत कामयाब करे। और उन्होंने मतलब अपना डिफेंस फेस टू के अंदर डिफेंस बड़ा एक उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है। तो खैर जी उसके बाद मेरे भाई के आपको सबको पता है मैं इसलिए अम्मी के लिए आई हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी, तो अभी उसके टेस्ट वगैरह हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर घर आ गए तो फिर अम्मी के घर अचानक से लाइट चली गई थी, वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था। मैंने अम्मी को कहा हम लोग जल्दी से जो है वो मैक्रोनी बना लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बना ली थी, बड़ी ही मज़ेदार सी मैक्रोनी बनी थी और बहुत ही ज़बरदस्त, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था और लाइट भी नहीं थी, तो बस हम लोगों ने जो है वो जल्दी जल्दी से मैक्रोनी रेडी कर ली थी और उसको खाया, बहुत मज़े की लगी थी, मेरी नानी को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो जी यहाँ पर मैट्रॉनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैं अपने भाई से जो है पूछ रही थी कैसी बनी है, मतलब थम्स अप या थम्स डाउन, तो मुझे पहले कहता है नहीं थम्स डाउन, तो मैंने कहा यार सही बताओ, तो कहता है थम्स अप अच्छी बनी है बहुत। और मैट्रॉनी के वाकई में तो ये जबरदस्ती वाली बात ही बहुत ज्यादा मजे की बनी थी और बिल्कुल सॉस जैसी बनी थी क्योंकि इसके अंदर मैंने मैदा थोड़ा सा ऐड किया था, तो बहुत ज्यादा अच्छी और स्पाइसी सी ये मैट्रॉनी मिली, इतनी ज्यादा भी स्पाइसी नहीं थी, बस नॉर्मल जो है वो। तो यहाँ पे अभी हमें बैठ के खा रही थी, उसके बाद मैंने नानी को दिया, फिर हम लोगों की कोई लाइट भी नहीं थी और फिर थोड़ी देर से लाइट आई, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। चंकी मंकी मेरी जो बेटी है उसको घूमना था क्योंकि बस उसने कहा कि मामा चले फिर नानी के घर, हम तो मतलब चंकी मंकी जहाँ हम रहते हैं डिफेंस में वहाँ पे नहीं है, और नहीं जहाँ पे हम रहते हैं मतलब गुलशन मेहमान है वहाँ पर चंकी मंकी नहीं, अम्मी के घर की तरफ है, तो उसने कहा कि मामा वहाँ पे हम अपने घर चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना हो नानी के घर क्योंकि पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं,
तो यहाँ पर हम उसको भी चंकी मंकी लेके आ गए थे। इसमें सारी जितने भी वहाँ पर ड्राइव थे सारी ली, बहुत मजा किया, बहुत इंजॉय किया। मुझे बिल्कुल नहीं झूले पसंद। तेज है, मेरी हवा कितनी उड़ गई। ओह माय गॉड,
जी है सारी राइड्स लेने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे थक चुकी थी, तो फिर उसके लिए मैं जो है यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले रही थी। इसके बाद हम लोगों ने स्वीट कॉर्न जिसको दिलाया, उसके बाद हम लोग जो है वो बाहर जाकर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया, फ्राइज वगैरह मंगवा ली थी, मम्मी ने घर पे खाना बनाया बता, तो बस यहाँ पर जो है वो हमने फ्राइज वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, और इसके बाद हम लोग घर जा रहे थे वापस। और बस अब हम लोग घर जा रहे थे, हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग थक गए थे, और रात भी का मतलब रात हो गई थी, तो फिर उसके बाद मम्मी ने घर चलते, फिर जी ये हो गई थी, फिर सुबह का टाइम हो गया था, यहाँ पे मेरी मम्मी हलवा पूरी का नाश्ता ले आई थी। ये 2-3 दिन मतलब 2 दिन का ये व्लॉग है, क्योंकि मैं मम्मी के घर में 2 से 2.5 दिन रही थी। और अब हम लोग जी वापस जा रहे थे अपने घर, मतलब गुलशन में मार जो है हम लोग वापस जा रहे थे, शाम के टाइम हम लोग वहां से निकल गए थे, और अब हम लोग जो है वापस जा रहे थे। और यहाँ पर मैं जी अपने घर आ गई थी, और यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद यहाँ पर अम्मी ने मुझे दी थी ये रबड़ी, रबड़ी जो है ये दी थी, बहुत ही मजेदार सी थी ये, रहमत शीरी की रबड़ी थी। आने के बाद जी हमें बहुत सारे काम हो गए थे, देखिए यहाँ पे भी सोफे पे भी कपड़े धुले हुए पड़े हैं, यहाँ हमने मशीन लगाई थी, सारे कैंस धोए थे पानी के, और आते के साथ ही मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं जो मैं करती हूँ, और ये देखिए इतने सारे ये जो हमारे कपड़े धो लेते हैं, बहुत सारे कपड़े धो लेते हैं, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर सारे शूज ये धुले हुए थे, यहाँ कपड़े स्टैंड में थे, ये कपड़े अभी स्टैंड में डालने थे, और वहां पर भी बच्चों के कपड़े थे, तो बहुत ज्यादा कपड़े धो लेते। तो जी बस यही तक था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आऊंगी अब एक और मजेदार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रब रखा। हैप्पी सिंधी कल्चर डे।